फ्रेंड्स, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। जेएसएससी ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी को लेकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और इसके बाद हम चलेंगे, सबसे पहले हम लोग व्हाट्स न्यू के सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ हम लोग JECCE 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसको खोल लेंगे। झारखंड के ऑफिशियल साइट JSSC के ऑफिशियल साइट पे अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसी को हम लोग मानेंगे, ऐसे अदर साइट से फेक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और वहाँ से हम लोग फिर झारखंड के जो भी नोटिफिकेशन आए होंगे उसको क्लिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद ये PDF खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसका जो विज्ञापन संख्या है वह है 6। ठीक है, विज्ञापन संख्या 6 2023 झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 JECCE 2023। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या होगा। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें से सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परीक्षा शुल्क कितना है। 100 रुपये परीक्षा शुल्क रहेगा। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का 50 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं कि इसमें से परीक्षा शुल्क जो पहले जिन्होंने फॉर्म भरा था, ये फॉर्म जिन्होंने पहले भरा था उत्पाद सिपाही का, उनको परीक्षा शुल्क फिर से जमा नहीं करना होगा, पुनः आवेदन उनको ज़रूर करना होगा। ठीक है, परंतु वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने जन्म तिथि के साथ, वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दर्ज करना आवश्यक होगा और उससे वो लॉगिन कर सकते हैं, जिसके बाद उनको परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब जो पहले परीक्षा शुल्क दे चुके हैं उनको पुनः परीक्षा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं, सब लोग रिक्तियों का विवरण देखते हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो कितने हैं, 583। टोटल 583 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और इसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 237 पोस्ट अवेलेबल है और 330 पोस्ट जो है वो महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, और 12 पोस्ट खेलकूद कोटा के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग देख ले रहे हैं, ये जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 2 है, 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक। ठीक है, और भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। झारखंड से नहीं, भारत के किसी भी अगर आपने शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक परीक्षा पास की है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग शारीरिक माप देखते हैं उत्पाद सिपाही के लिए। तो अनारक्षित वर्ग जो है जनरल कैटेगरी लोगों के लिए न्यूनतम 160 होना चाहिए, न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 160 होनी चाहिए और सीना जो है चेस्ट जो है वो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर में है ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 और इसका जो ऊंचाई है वो न्यूनतम 155 है और सीना जो है वो 79 है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, एवं पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 160 है हाइट और चेस्ट जो है वो है न्यूनतम 81। महिला के लिए न्यूनतम 148 है और चेस्ट का माप नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाइट होना चाहिए आपका न्यूनतम 148 महिला के लिए। ठीक है, और चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत सीरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है और अन्य जो भी कुछ जांच होते हैं उनके चिकित्सक जांच की जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा जो है वो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि होगा 1/8/2023 और यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2018 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है, न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम उम्र जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे निश्चित किया जाता है। तो अधिकतम उम्र सीमा जो है वो क्या है, अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 25 वर्ष
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष है, इसके बाद महिला के लिए 28 वर्ष है, ठीक है। और इसमें से महिला में अनारक्षित, आर्थिक कमज़ोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग सभी शामिल हैं और उनका 28 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति या जाति का 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम, ठीक है, और ऐसे न्यूनतम आपका 18 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ यहाँ पे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने का और सूचना दर्ज करने हेतु 1/6/2023 आने के 1 जून 2023 से लेकर के 30 जून 2023 के मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान अभी जो फ्रेशर हैं जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है वो करेंगे, और जो पिछली बार फॉर्म भर चुके थे और उन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया था वो लोग इसका नहीं फिर से फी पेमेंट करेंगे, ठीक है। 2/7/2023 तक की मध्य रात्रि तक आप लोग फी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का 4/7/2023 है दिनांक, और यहाँ पे जो सुधारने का है, मतलब अगर कोई गलती हो जाती है जन्मतिथि, ईमेल आईडी वगैरह में, अभ्यर्थी का नाम वगैरह में, तो 6/7/2023 से 8/7/2023 तक आप लोग इसको सुधार सकते हैं, ठीक है, जुलाई में, ठीक है, मतलब 8 जुलाई तक सुधार सकते हैं, 6 से 8 जुलाई तक। चलिए यहाँ तक क्लियर है हमारा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा। तो परीक्षा का स्वरूप जो है वो यहाँ पे दिया गया है, पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद चिकित्सीय जांच होगा। मतलब पहले दौड़ होगा और उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद चिकित्सीय जांच होगा आपका, जो ऊपर में बताए, ठीक है। तो पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। तो जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में पास कर जाएंगे उसके बाद उनका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, उसके बाद इनका चिकित्सीय जांच होगा, क्लियर है। लिखित परीक्षा जो है उसका हम लोग देख लेते हैं। इसमें से पत्र एक जो होगा उसमें से भाषा ज्ञान का आपका टेस्ट लिया जाएगा, और हिंदी भाषा से 80 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न होंगे, कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें से पास करने के लिए आपको न्यूनतम प्रतिशत जो है वो 30% आप लोगों को प्राप्त करना होगा। 30% अगर आप लोग ले आते हैं तो आप लोग पत्र दो आप लोगों का चेक होगा, ठीक है। अब पत्र दो में क्या क्या है देख लेते हैं। पत्र दो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का होगा, इसमें से आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इनमें से किसी भी भाषा को चूज़ करके आप फॉर्म भरते समय उसको चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो पत्र दो है इसमें से 30% न्यूनतम अंक आपको मिलना चाहिए, उसके बाद आपका पत्र थ्री जो है, पेपर थर्ड जो है वो आपका चेक होगा, ठीक है। पेपर थर्ड भी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी, ठीक है। पेपर थर्ड में आपका टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, और पहला जो है उसमें भी 120 होगा, और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपका खट्टा या फिर पंचपरगनिया आप लोग जो सब आपका चूज़ करते हैं लैंग्वेज उसका होगा। इसके बाद थर्ड पेपर में आपका टोटल 120 प्रश्न होंगे, समान अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो समान अध्ययन जो है 40 प्रश्न वो आपका जीके हो गया, ठीक है। इसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का आप लोगों को हम भी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, झारखंड का जीके का, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, और आपका एक दो दिन बाद से कंटिन्यू आपका एक एक वीडियो आते जाएगा, ठीक है, डेली। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो पत्र है तीन में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त होना अनिवार्य होगा, ठीक है। चलिए ऐसे तो फिज़िकल अगर आपका दौड़ पहले हो जा रहा है तो यहीं पे बहुत सारे लोग छंट जाएंगे, और यहाँ पे देखिए आप लोगों का सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। आप लोग डिटेल में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, ऐसे तो पेपर थर्ड आप लोगों का कॉमन रहेगा, पर पेपर टू जो है उसका आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस अच्छे से, और उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है इसमें से मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने के माप का जाँच किया जाएगा और महिला का नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विवरणिका की कंडिका 6 के अनुरूप होगी, जो पहले बता चुके हैं आपको। पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ होगा, ठीक है। पुरुष जो होंगे वो 10 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करेंगे 60 मिनट में, ठीक है। 60 मिनट का समय दिया जाएगा और 10 किलोमीटर का दौड़ रहेगा, ठीक है। इसके बाद महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ होगा 40 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं को थोड़ा टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू
वॉइस, ठीक है। तो यही था, इसके बाद चिकित्सीय जाँच है आपका, और अच्छे से अगर आप लोग खोल के देख लीजिएगा आपका जो नोटिफिकेशन है, तो आप अच्छे क्लियर हो जाइएगा पूरा अच्छे से। ऐसे आपको हम सारा बता चुके हैं। तो टोटल पोस्ट 583 है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें से एक आपका होना चाहिए। तो क्लासेस करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो बहकावे में ना आकर आप लोग अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। आई होप आप लोगों को आज का जो ये जानकारी का वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आप क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।